5 फरवरी 1958 यूएसए के जॉर्जिया सवाना के पास ताइव आइलैंड पे फाइटर जेट F-86 एंड B-47 बॉम्बर जेट मिड एयर में आपस में टकरा जाते हैं। उस टाइम बॉम्बर B-47 जेट अपने साथ 3400 किलोग्राम का एक एक्टिव हाइड्रोजन बॉम्ब कैरी किए हुए होता है, जिसे मिड एयर कोलिजन के बाद पायलट एंड दोनों क्रूज द्वारा हवा में उस बॉम्ब को उस जेट से ताइब आइलैंड पे फेंक दिया जाता है। एक्टिव हाइड्रोजन बॉम्ब को हवा में फेंकने के बाद क्या हुआ, पायलट कैसे अपनी जान बचा पाए, इस कोलिजन में किसकी गलती होती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के आर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। मैं लाता रहता हूँ ऐसे ही दिल दहला देने वाले ट्रू एविएशन स्टोरी एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यूएसए के फ्लोरिडा में स्थित होमस्टेड एयरफोर्स बेस से बॉम्बर B-47 विमान अपने साथ 3400 किलोग्राम का हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे मार्क 15 न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता था, लेकर लोकल टाइम दिन में 2 बजे 3 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरता है, जिसके पायलट कोलोनेल रिचर्डसन होते हैं। उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब बॉम्बर B-47 38,000 फीट एल्टीट्यूड पे पहुंचता है, उस टाइम पे सामने से आते हुए फाइटर जेट F-86, जिसे पायलट क्लॉरेंस स्टीवर्ट उड़ा रहे थे, से मिड एयर में कोलाइड कर जाता है, जिसमें F-86 फाइटर जेट बॉम्बर B-47 के राइट विंग को चीरते हुए आगे निकल जाता है। इस कोलिजन में गलती F-86 फाइटर जेट के पायलट की होती है। हालांकि इस कोलिजन में दोनों पायलट्स एंड B-47 के दोनों क्रूज की जान बच जाती है, क्योंकि समय रहते हुए F-86 का पायलट अपनी सीट को हवा में इजेक्ट कर लेता है एंड B-47 विमान का पायलट अपने दोनों क्रू के साथ इमरजेंसी लैंड कर लेता है। दोनों विमान को आपस में टकराने के बाद बॉम्बर B-47 38,000 फीट एल्टीट्यूड से घूमते हुए नोज के थ्रू नीचे आने लग जाता है। हालांकि इसके कैप्टन कोलोनेल रिचर्डसन बॉम्बर B-47 को 38,000 फीट एल्टीट्यूड से 18,000 फीट एल्टीट्यूड आते आते पे विमान को बैलेंस कर लेता है, बट पायलट एंड दोनों क्रू की सबसे बड़ी कंसर्न उस विमान में रखा मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि हाईली एक्टिव हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, क्योंकि एक गलती से लाखों लोगों की जान जा सकती थी, इंक्लूडिंग पायलट एंड देयर क्रू मेंबर्स। बॉम्बर B-47 का पायलट विमान को बैलेंस करने के बाद अपनी जान की परवाह ना करते हुए एयरवेज से कांटेक्ट करता है एंड उन्हें यह बताता है कि बॉम्बर B-47 में अवेलेबल मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब हैवली डैमेज हो चुका है एंड किसी भी टाइम फट सकता है। इसके साथ ही वो बॉम्ब को हवा में ड्रॉप करने की परमिशन मांगता है। सारी कंडीशन को समझते हुए, सारी सिचुएशन को समझते हुए यूएसए के एयरफोर्स के बेस से कोलोनेल को परमिशन दे दी जाती है एंड कोलोनेल मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब को 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए बॉम्बर B-47 विमान से 7200 फीट एल्टीट्यूड से ताइब आइलैंड पे फेंक दिया जाता है। इस आइलैंड की सवाना से दूरी ओनली 28 किलोमीटर होती है, जो कि यूएसए का एक घनी आबादी वाला शहर होता है। बॉम्ब को फेंकने के बाद कोलोनेल बॉम्बर B-47 को सेफली इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है, बट सवाल यह उठता है कि फेंका हुआ बॉम्ब फट गया या कहां गया। हालांकि कोलोनेल लैंडिंग के बाद यह बताता है कि उसे किसी भी तरह के एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिली, इससे यह साफ हो गया था कि बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ एंड इसके साथ ही बॉम्ब को खोजने का मिशन शुरू किया गया। मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब टोटल 3400 किलोग्राम का था, जिसका साइज ऑलमोस्ट 12 फीट का था, जिसके अंदर 180 किलोग्राम हाईली एक्सप्लोजिव यूरेनियम था, जो यदि एक्सप्लोड हो जाता तो उस जगह से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर एरिया की आबादी अगले कई दशक के लिए गायब हो जाती। अगले दिन 6 फरवरी 1958 को यूएस नेवी के लगभग 100 यूनिट्स को इस बॉम्ब को खोजने के लिए भेजा गया, बट तकरीबन 3 महीने की हार्ड सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी ये बॉम्ब किसी को नहीं मिल पाया एंड इसके बाद इसके सर्च ऑपरेशन को फाइनली गवर्नमेंट के साइड से अप्रैल में बंद कर दिया गया।
बट ऐसा माना जाता है कि 2007 तक इस बॉम्ब की अंडरकवर सर्च ऑपरेशन चलाई गई, बट बॉम्ब फिर भी नहीं मिल पाने पे फाइनली इस केस को गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि उस टाइम पे जब बॉम्ब ताइव आइलैंड पे फेंका गया था, तब उसी टाइम रशियन पनडुब्बी पानी में सफर कर रहा था, एंड ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये बॉम्ब रशियन गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। बट ये सारी बातें एक अनुमानित थी। एक्चुअल में बॉम्ब फेंकने के बाद क्या हुआ, बॉम्ब कहाँ गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। एंड ऐसा माना जाता है कि यदि आज भी मार्क 15 हाईली एक्टिव हाइड्रोजन बॉम्ब वहां पे यदि होगा तो उसके एक्सप्लोजन के चांसेस आज भी हैं। आपकी क्या राय है इस घटना के ऊपर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।